तो जिया जो है यहाँ पर हो गई है तैयार और इसका जो है लुक देख सकते हैं, फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। पूजा करके घर आई ना, इतना प्यारा सरप्राइज मुझे मिला, उम्मीद बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इतना प्यारा गिफ्ट मुझे मिला। तो आज है तीज का पर्व, तो तीज की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी अभी सारा काम करके बैठी हूँ, बस कपड़े उपड़े निकाल रही हूँ कि कौन सा क्या पहनना है किसके साथ। तो पतिदेव को बोला है ऊपर हमारी ट्रॉली रखी है जिसमें हमारा चुनरी रखा है, उतार दीजिए। तो पति आएंगे भी उतार देंगे हमारा। और क्रियांश भी स्कूल चला गया, तो जल्दी से चलते हैं, नहा के पूजा पाठ करेंगे और तैयार भी होना है। आज तीज है तो थोड़ा अच्छे से तैयार होना बनता है। 12 seconds later हमारे पतिदेव आ चुके हैं और ये अपने काम पे, पंखा बंद कर देते पहले, वही रेड वाला है, रेड वाला छुटका। तो ये रहा हमारा ट्रॉली, इस ट्रॉली में मैंने सारा शादी का सब कुछ रखा हुआ है, पता है। A few moments later तो अभी बज रहे हैं 11:30 और अभी जा रहे हैं क्रियांश को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि इनके पैर में आ गई है चोट। क्रियांश आगे में बैठ करके आता था और पैर बहुत ज्यादा मारता है, तो इनको दर्द होता है, तो मुझे भी साथ में जाना होता है पीछे में बैठा करके लाने के लिए। तो जाते हैं स्कूल से लेके आएंगे, फिर नहा करके पूजा करेंगे। 12 seconds later आज तीज का पर्व है, इसके लिए आप सबको हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सुहागन रहिए और तीज का व्रत उत्सव मनाइए। और एक साल बाद तीज आता है और हर सुहागन इसी तीज व्रत का हर साल इंतजार करती है, भगवान करे उसको अगला तीज भी नसीब हो, फिर हम लोग अगला तीज में अगले तीज के लिए मांग लेंगे भगवान से। इसी तरह समय बीतते रहेगा। और आज सुबह बहुत सवेरे जग गए हैं, स्वाभाविक है, कल भी अरवा खाए थे बिना नमक का, तो परेशानी है, तो सोचते हैं कि किसी तरह सवेरे काम निपट जाए ताकि थोड़ा आराम कर ले। और तीज का पूजा प्रदोष काल में होता है, तो 4 बजे हम लोग जाएंगे, तो पूजा पाठ का ध्यान रखेंगे। लेट है तो मैं आ गई हूँ क्रियांश को स्कूल से लेकर के, और यहाँ देख सकते हैं हमारी दो दो प्यारी प्यारी बहनें आई हुई है मुझे रेडी करने के लिए, है ना। तो और सबसे बुरी बात क्या है कि मैंने आईब्रो तक नहीं करवाया, आप में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था। बात यह है कि इनके पैर में चोट आ गई है जिसकी वजह से बार बार बाहर नहीं जा पाते हैं, और क्रियांश भी छोटा है थोड़ा, तो वो पकड़ेंगे तभी मैं जा पाऊँगी, इस वजह से थोड़ा इशू हो गया। बाकी कोई ना, ये मेरा बना देंगे, है ना। तो इनको पता था कि इन्होंने वीडियो देखा था कि मैंने आईब्रो तक नहीं करवाया, तो ये बोली मैं धागा लेके आई हूँ दीदी, तो बोले अच्छा है तो करवाते हैं और देखते हैं। इनके साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि कैसा करती है मेकअप, और मैं आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि कैसा रहता है। बाकी जो भी कटिहार से हैं वो अगर करवाना चाहते हैं मेरा मेकअप देख के करवा सकते हैं, बाकी अभी देखना है कि कैसा करती है ना। 20 minutes later तो मैं आ गई नहा करके, अब होने वाला है हमारा मेकअप, तो मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या होने वाला है और स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लगा रही है हमारे फेस पे मॉइस्चराइजर, प्राइमर हमारे फेस पे लग चुका है, इसके बाद लग रहा है फाउंडेशन, इसके बाद अब लगाया जा रहा है कंसीलर। इसे क्या होते हैं हम बोल रहे हैं, बोलो तो करिए, हम नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है मैं समझ सकती हूँ। तो इससे डार्क सर्कल जो भी हमारे फेस पे है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद लग रहा है कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि लगी जो है पूरा है लगाने वाली है लाइनर। हमारा लग चुका है, इसके बाद मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया। लिपस्टिक मैंने इस बार थोड़ा सा डार्क शेड में लगाया, लाइट शेड तो हमेशा लगाती हूँ ना, तो मुझे ज्यादा लाइट शेड पसंद है ना ज्यादा डार्क, लेकिन आज ना थोड़ा डार्क वगैरह ज्यादा अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है कमेंट में आप लोग बताइएगा। बाकी मेकअप तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, अब पूरा
जब मैं एकदम ड्रेसअप हो जाऊंगी तब आप लोग बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है। कोशिश कर रही हूँ कि ईशा बोले लेकिन फिर भी ये इशारों में अभी तक Hours later. देर से तैयारी बड़ी बहू का होता ही है लेकिन आज तो सही में पर्व है तो स्वाभाविक तौर पर इसकी तैयारी में लेट हो गई है लेकिन फिर भी सौभाग्य है भगवान करे इसी तरह इसको चीज नसीब होते रहे और इसका तैयारी चलते रहे और हम आशीर्वाद देते हैं अपनी बहू को नहीं संसार के सब सास की बहू को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान इसी तरह उसके घर में तीज का पर्व बेटा रहेगा तब तो बहुत चीज मनाएगी। इसलिए इसलिए हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं किसी भी सज्जन पुरुष को माता पिता को या भाई बहन को आँख में आंसू नहीं दिखाइएगा वो तो आप अपने जानते हैं प्रभु जो आप क्या सही है क्या गलत है। हम तो एक साधारण नारी आपसे सिर्फ प्रे करती हूँ लेकिन उम्मीद करती हूँ कि किसी के अच्छे कर्म पर आपका ध्यान निश्चित रूप से रहेगा क्योंकि आप न बेमान हैं न चोर हैं न धूर्त हैं। आपके यहाँ तो न वकील का जरूरत है न मुख्तार का न गवाह का सीधा कर्म और जजमेंट। उम्मीद से मैं हर बार आपका पूजा करती हूँ और एक वीडियो पर बोलने का मेरा कोई ये नहीं है कि हम अपना बर्फन दिखा रहे हैं। हम सबके लिए दुआ करते हैं भगवान से और आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं इसलिए आप लोग को प्राय सुनाते हैं और भगवान की कृपा से आप लोग हमको हौसला बढ़ाइए हम आगे बढ़ते रहें। आप लोग समय कुछ न कुछ बोलते रहे आप लोग सुनते रहिए। A few moments later. ये मिट्टी का बर्तन है हम अपनी माँ को देखे थे वो जो करती आई है वही हम सीखे और वही कर रहे हैं विशेष कुछ नहीं। जो मैंने अपने पूर्वज को देखा वही मैं कर रही हूँ वही पूर्वज हो या भगवान हो उनके आशीर्वाद से चलता रहे। देखो इसमें चावल सिर को रख दिया ये श्रृंगार का सामान है श्रृंगार मतलब चूड़ी सिंदूर बिंदी मेहंदी जितना भी चीज होता है सब चीज ये ब्लाउज का पीस है वस्त्रदान होता है। इसी तरह से तीज का हम लोग के यहाँ चित्र किया जाता है और आप लोग के यहाँ कैसे किया जाता है सबके परिवार का अपनी अपनी परंपरा है सभी लोग अपने अनुसार करते हैं। पूजा करते हैं भगवान महादेव का माता पार्वती का चाहे जैसे जिस विधि से कीजिए पूजा उन्हीं को करना है दुआ उन्हीं से मांगना है। Few inches later, a few moments later. तो जिया जो है यहाँ पर हो गई है तैयार और इसका जो है लुक देख सकते हैं फाइनल लुक कुछ इस तरह का है तो बहुत ही अच्छा काम किया है ईशा ने और मालूम चला क्या है कि हम लोग ये लोग जो है हम लोग पास के ही है। अच्छा तुम बता रहे थे कि क्रियांश के जन्मदिन में भी आई थी। हाँ, क्रियांश के जन्मदिन में आई थी मुझे याद नहीं था फिर से थोड़ा थोड़ा लग रहा था। अच्छा मैं बहुत छोटी थी सोची कितनी जल्दी बड़ी हो गई। वाह वाह ये दो सेलिब्रेशन लेकर दौड़ी तो बहुत तो बहुत ही टैलेंटेड लड़की है जी। और अगर आप लोग कटिहार से आप लोग भी चाहते हैं कि किसी भी स्पेशल ओकेजन पर आप लोग का मेक ओवर हो तो आप लोग इनको बेहिचक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। घर का पूजा संपन्न हो गया हम लोग का अब हम लोग मंदिर की तैयारी में हैं तो मन के संतोष मंदिर में भगवान या यहाँ सब तो उन्हीं का मंदिर है। ये मेरा बाप का मंदिर नहीं है ना बोले बाग मंदिर ही भी है वही ना दिए हैसियत तो हमने बनाया मैं तो हमको अगर था इसलिए हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उन्हीं के मंदिर में जाते हैं घर जाओ या बाहर जाओ वहाँ भी जाते हैं सब दिन गए हैं इसलिए जाते हैं आस्था है
उस मंदिर में ही प्रभु रहते हैं, तो शायद वहाँ भी हाजिरी मेरा होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, गोविंद भी चलेगा साथ क्या? ठीक है, तो चल लेते हैं। अब उतना क्या उम्र का पड़ाव है या जो भी रहे नहीं आ पाते, फिर भी कोशिश करते हैं कि अवसर पर जरूर आ जाएं। ये तो हर समय हम लोग आते रहते हैं, ये भी मेरी बहू है, ये समझा, ये भी मेरी बहू है। हम मंदिर तो अलग चीज़ है, यहाँ से पूजा करने आते हैं, लेकिन आते हैं हमारे मुलाकात हमेशा होते रहती है और हम लोग मिला जुला के शुरू से एक साथ रहते हैं। जिया कभी आए नहीं तो अच्छा, तो मेरा घर हम तो आते जाते ही रहते हैं, टाउन में आते जाते ही रहेंगे। तो जिया को लाए थे मिलाने के, सोचे कि आज ब्लॉगिंग कर लेते हैं ताकि यूट्यूब पर रहेगा तो हमारा रिश्ता जो है लोग देखेगा कि अमानत है, इसलिए हम लोग आए हैं। ये मेरी बड़ी बहू है, ये जिया उससे क्लोज है, वो मेरी बेटी है, उनकी बेटी है, मेरी बहन बेटी है, और कहते मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि हम यहाँ आए हैं और आज हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम एक साथ ब्लॉगिंग करने आए हैं। लगता है कि सोनू इन लोग का छोटा भाई और देवर है, इन लोग इतना आशीर्वाद देगी ताकि सोनू अपना जीवन भर कमा के पैसा से खाए और इसका ख्याति ऊंचाई पड़ जाए। और यह मांगते नहीं है, इन लोग का फर्ज है, भगवान करेंगे तो ऐसा तीज का त्यौहार हम लोग हमेशा मनाते रहेंगे और हम लोग आते रहेंगे। मैं स्नेहा, इनकी जेठानी और ये मेरी देवरानी है, ये दीदी है। हेलो, हम लोग अभी तीज का त्यौहार मना रहे हैं जो कि बिहार पूरे देश में पॉपुलर है, और ये हरितालिका तीज है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोग इसमें मतलब पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं ताकि हम लोग का भविष्य सब लोग कुशल मंगल रहें और हम लोग इसी तरह खुश होकर अपने जीवन का निर्वाह करते रहें। पति की दीर्घायु होने की भी हम लोग इसमें विशेष रूप से काम करते हैं। सब सास बहू मिल के सुहागन मनियारी चल जाए। मैं पूजा करके आ गई और जैसे ही पूजा करके घर आई ना, इतना प्यारा सरप्राइज मुझे मिला, उम्मीद बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि इतना प्यारा सरप्राइज ये देंगे। और इतना प्यारा सरप्राइज कैसे ये प्लान किए मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि इनका तो कुछ होता ही नहीं, ये सरप्राइज करते भी है ना तो वो फेल हो जाता है। फर्स्ट टाइम सरप्राइज हुआ है, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इतना प्यारा गिफ्ट मुझे मिला हुआ है ना, पूछते हैं इनसे कि ये सब कुछ कैसे किया इन्होंने। तो जिया बोलती थी कि किसी भी तीज में कोई भी गिफ्ट नहीं मिला, सबके पति जो है गिफ्ट देते हैं, बस आप ही नहीं देते हैं हमको। तो सोचे कि चलिए इस तीज जो है इसकी शिकायत को हम दूर कर देते हैं। और इतना प्यारा गिफ्ट और इतना बड़ा गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी आपको, तो हम एनिवर्सरी में गिफ्ट नहीं दिए थे, सोचे कि तीज में ही दे दे, शादी का 5वां साल है हम लोगों का, 5वां तीज है तुम्हारा। तो एक एक करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कंगन मिला हुआ है मुझे जो कि बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा डिजाइन भी है, वाह कितना सुंदर है। और भी इसके अंदर है, वो सरप्राइज है, मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं देख के खुद शॉक्ड हो गई कि इतना कुछ इन्होंने कैसे अरेंज किया, दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को पूरा देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं इतने में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वाह वाह वाह। The next day. व्रत संपन्न हो गया, करोड़ों अनगिनत बार प्रभु को चरण में धन्यवाद, पार लग गया हमसे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले साल के लिए आप सभी सुहागन के लिए इंतजार कीजिएगा प्रभु, हम लोग इंतजार करेंगे, आप दीजिएगा। और क्या कहें, व्रत दीजिए, जो हाथ उठा के संसार दिए हैं ओठो प्रभु, अमानत रहे, भर पेट खाए, सम्मान से जिए, उम्र भर भोग के जाए, यही दुआ सबके लिए मांगते हैं। हमको लगता है कि आपकी दया हमेशा हो, हे त्रिपुरा।